रहे हैं तो आप कोरोना वायरस को आसानी से हरा सकते हैं। आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अपने दो महीने के लिए सरकार सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा। छह दिन से हम परेशान हैं, हमको क्या सेफ्टी मिली है? तुम्हारे जैसे ये सिविल डिफेंस वाले मार के भगाते हैं, इधर शकल दिखाओ, इधर इसको दिखाओ, इधर इधर से आग जला दूंगा अभी अपने आप में, इतना गुस्सा हो गया मुझे। घर में ही बेचारों के बीमार पड़े हैं, वो मर जाएंगे, यहाँ पे हम मर जाएंगे। नमस्कार, शंखनाद देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। कोरोना पर आखिरी बार का वक्त आ चुका है। एक तरफ वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की मांग चल रही है, क्योंकि मुंबई समेत पूरे देश में कोरोना के मामले पहले की तुलना में घट रहे हैं। मुंबई में 17 मार्च के बाद सबसे कम संक्रमित मिले हैं, तो यह साफ है कि लोगों ने भी अब ये ठान लिया है कि वो घर में रहेंगे, कोरोना को मात देंगे। दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र समेत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि किस तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। जब आधे से ज्यादा देश में लॉकडाउन लगा हुआ है तो फिर क्यों ना एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग के आखिरी हथियार का इस्तेमाल कर लिया जाए। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जंग में हमें कितनी जीत मिली है, इस पर पूरे देश से जी मीडिया संवाददाता लगातार रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार अगले 2 महीनों तक करीब 72 लाख गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। साथ ही केजरीवाल सरकार दिल्ली के करीब 1.5 लाख ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर चुकी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, हमने देखा देश में जहां जहां भी लॉकडाउन लगाया गया वहां जो कोरोना के मामले हैं उनमें कमी आई है। दिल्ली भी ऐसी एक जगह है और अब दिल्ली में गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन। दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा, भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली के जो गरीब तबके वाले लोग हैं उनके लिए यहां पर राहत का ऐलान किया गया है। 2 सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ नोएडा से अभिषेक हैं, दिल्ली से सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपके पास मैं आ रही हूं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं 2 महीने के लिए राहत का हमने ऐलान किया है, लेकिन इसका अर्थ आप ये मत लगाइए कि 2 महीने तक लॉकडाउन लगेगा। फिलहाल क्या सुगबुगाहट है लोगों में? पिछले साल भी हमने देखा था जब पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था तभी लोगों ने यह अनुमान लगा लिया था कि लॉकडाउन लंबा चलेगा। अब दिल्ली में इसका क्या अर्थ निकाला जा रहा है? देखिए शालिनी, अगर 1 महीने पहले की केजरीवाल सरकार केजरीवाल के बयान का को देखा जाए तो केजरीवाल ने यह कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन
संभव नहीं हो सकता है। फिलहाल हम लॉकडाउन लगाने नहीं जा रहे हैं। हालांकि एक हफ्ते बाद अपने बयान में उन्होंने बदलाव किया और कहा कि लॉकडाउन की संभावना है। तो हालांकि जिस तरह से फिलहाल दिल्ली के हालात हैं, इसके मद्देनज़र कहा जा सकता है कि केजरीवाल सरकार ने आज संकेत दे दिए हैं कि अगले 2 महीने तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। और इसी के मद्देनज़र जो 72 लाख राशन धारक हैं उनको राशन फ्री में राशन मुहैया कराई जाएगी। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से पिछले साल केजरीवाल सरकार ने जो व्यवस्था की थी सरकारी अस्पतालों में खाने की जो व्यवस्था की थी उस तरह से किया जाना चाहिए। तो लाख दावे अगर केजरीवाल सरकार कह ले कि 2 महीने तक लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन हालात जो बताते हैं कि फिलहाल दिल्ली की जो हालात है वो ठीक नहीं है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है जी, मामले तो कम, और यही वजह है कि लॉकडाउन लंबा भी खिंच सकता है। हालांकि इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। सुमित, मैं जरा उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लूं। 2 सहयोगी वहां मेरे मौजूद है, अभिषेक नोएडा में, तुषार लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, आपके पास मैं आ रही हूं। लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है और लॉकडाउन लगाने से जो कोविड पेशेंट्स की संख्या है उनमें कमी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन करके उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को बढ़ाया ना जा रहा होता। बिल्कुल शालिनी, देखिए अभी मैं कैलाश हॉस्पिटल के अंदर ही गया था और यहाँ जो कोविड स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर डॉक्टर, उनसे मैंने पूछा सर कि क्या स्थिति है इस वक्त, तो उनकी ही बात बता रहा हूँ। उन्होंने सीधे कहा कि देखिए, मौत का आंकड़ा घटेगा तभी घटेगा जब सबको लॉकडाउन का पालन करना होगा और सख्ती से लॉकडाउन लागू कर दिया जाए। और जो लोग सीरियस हैं, क्योंकि लोग देरी कर रहे हैं आने में, पहले सर्दी जुकाम खांसी अगर किसी को हो रहा है तो वो उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, और 6-7 दिन बाद जब वो सीरियस हो जाते हैं और स्थिति उनकी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चेस्ट ज़्यादा इन्फेक्शन कर जाता है, लंग्स ज़्यादा डैमेज कर जाता है, तो उसके बाद वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, जिसके बाद स्थिति ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में जो लोग अभी बाहर घूम रहे, सड़कों पर आप देख सकती हैं, कोई बहुत आपको लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए आराम से गाड़ियाँ जा रही, स्कूटी जा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा शालिनी कि नोएडा में या दिल्ली में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ या लॉकडाउन है। तो इसका पालन कराने के लिए सख्ती तो ज़रूरी है, और उस सख्ती का मतलब होता है लॉकडाउन। लोग घरों में रहेंगे, RT-PCR टेस्ट होगा, और जो सीरियस होंगे उनको हॉस्पिटल में जगह मिलेगी, डॉक्टर के सलाह पर उनको दवाइयाँ दी जाएंगी, और लगातार हर किसी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो डोज है, पहली और जिसको दूसरी लगनी है उसको दूसरी लगाते जाएंगे, तभी इसको बचाया जा सकेगा। क्योंकि कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो इसने लगाई है, घरों में रहे और फिर उस दरमियान वैक्सीनेट इन तमाम लोगों को कर लिया जाए, और तभी जो कोरोना की रफ्तार है वो कम होगी। आपने नोएडा की तस्वीर अभिषेक दिखाई, लॉकडाउन का खासा असर यहाँ पर है नहीं। लखनऊ का भी जरा हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ की भी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें तुषार लखनऊ के अंदर की गई, स्थिति को कोई फायदा निकला नहीं। लॉकडाउन का असर कितना है वहां पर? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार ने पूरी कोशिश की है जो कोरोना संक्रमण उसको रोकने का। कोरोना कर्फ्यू तक लगाया गया और वो भी 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया गया, 6 तारीख है। लेकिन जो असर है कोरोना कर्फ्यू का वो यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। हम इस वक्त यहाँ पे सड़क पे खड़े हैं और आप देखिए किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि कोरोना कर्फ्यू है। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नहीं दिख रहा, प्रशासन भी किसी को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही कहीं चेकिंग अभियान चल रहे हैं। हम भी पूरा लखनऊ घूमते हैं, हम भी तमाम जगहों पर गए आज खबरों को करने के लिए, लेकिन कहीं भी कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया जो ये पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे तमाम ये सड़क के हाल देखिए, यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। तो एक निश्चित तौर पे आपको बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है कि जो कोरोना कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन ना ही उसको कोई पालन कर रहा है और ना ही सरकार की तरफ से उसको कोई प्रशासन की तरफ से पालन कराया जा रहा है। यही वजह है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो दावे किए हैं वो तो साफ है कि जो संक्रमण है उसकी संख्या घटी है, लेकिन जो शमशान घाट की स्थिति मैं बताऊं कि वहां पे लाशों का लगातार डेड बॉडीज आ रही हैं, जल रही हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो संक्रमण है वो अभी भी रुका नहीं है और जो खतरा है वो टला नहीं है। लॉकडाउन का पालन भी नहीं हो रहा है तुषार, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन पालन हो कैसे? सुमित, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन अभिषेक आपसे ये भी मुझे जानना है, क्योंकि नोएडा की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट ऑफिसर्स बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी खुले हुए हैं, प्राइवेट दफ्तरों ने बंद नहीं कर दिया अपने एम्प्लॉइज को बुलाना, तो ऐसी कंडीशन में लॉकडाउन का पालन हो भी तो कैसे हो? इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि क्या फुल लॉकडाउन, पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन, यही क्या अब अंतिम विकल्प बचा रह गया? देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं शालिनी,
और तमाम रिपोर्ट्स आ भी रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि एकमात्र उपाय यही है कि सख्ती से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया जाए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जो भी उचित हो वो सरकार और उसके तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो तय कर सकते हैं। लेकिन जिस दौरान अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, अभी 18 से लेकर 44 साल तक वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन का शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन अभी नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में भी 7 जिले में ही चल रहा है, नोएडा में भी वैक्सीनेशन का काम हर जगह नहीं चल रहा है। सरकारी अस्पतालों की बात अगर छोड़ दे तो प्राइवेट में कई जगहों पर नहीं है, जैसे ये कैलाश भी वैक्सीनेशन सेंटर है लेकिन यहाँ पर वैक्सीन नहीं पहुंचा है। तो लोगों की जान बचाने का सबसे पहला तरीका यही है कि सबको वैक्सीन कराया जाए, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। उस दौरान लोग कम से कम घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सड़कों पर इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे ही नहीं पता है कि यहाँ पर तैयार कितना है। लोग ये भी समझना होगा क्योंकि सबको वैक्सीनेट करना ही तो इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। वैक्सीन की खासी किल्लत देश के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है। सुबह दूसरा दिन आज वैक्सीनेशन का दिल्ली के अंदर, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए क्या वो रफ्तार दिखाई दे रही है? फिलहाल उस तरह की रफ्तार नहीं है शालिनी, क्योंकि कल मैं कई सेंटर से गया था, वहां सिर्फ महज लिमिट लोगों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा था, 150 की संख्या थी। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बगल का जो स्कूल है उसमें सिर्फ 150 लोगों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा था। तो फिलहाल अभी संख्या जो है वो लिमिट है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि क्या ये लॉकडाउन किस तरह से कारगर होगा, तो लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन जिस तरह से पिछले साल लगा था उसी तरह से पूर्ण लॉकडाउन जब तक नहीं लगेगा तब तक उसका असर जो है वो खासकर दिल्ली समेत बाकी राज्यों में नहीं दिखेगा। तो लगातार लोग भी अब कह रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। शालिनी, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये शख्स हैं हमारे साथ, अभी जब मैं लाइव दे रहा था तो ये रुके और अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी, मैं दिल्ली नारायणा से बोल रहा हूँ। ये 800 रुपए का आइटम है जी, जो है ये क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर ये रेगुलेटर लगता है, किट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगता है जी। ये दीनदयाल हॉस्पिटल के सामने केमिस्ट वाले खुले आम ब्लैक कर रहे हैं। ये काला बाजारी चल रहा है, फुल काला बाजारी। कितने का है ये? ये 800 से 1200 रुपए में नॉर्मली मार्केट में मिली आपने? 85,000 रुपीज, 8500 रुपए में। मैं 10 गुना, बिल्कुल 8500 रुपए में, और कोई बिल नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, लेना है लो, नहीं तो कह रहे आगे जाओ ले लो, ऐसे बात कर रहे हैं। कोई है, काला बाजारी जो भी है, जो है शालिनी जम कर चल रही है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाया जाता है और वो खरीदने जा रहे हैं, 800 रुपए का है लेकिन 8,500 में इन्होंने खरीदा है। तो ये हालात जो है वो दिल्ली के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जमाखोरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज तमाम विपक्षी दलों से, तमाम राजनीतिक दलों से पूछा कि आखिरकार क्या नेतृत्व की कमी है। ये तस्वीरें देखनी चाहिए, दिल्ली सरकार को देखनी चाहिए, बाकी सरकारों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। किस तरह से हिंदुस्तान बता रहा है खुलेआम कालाबाजारी, लोग खुद आकर के हमें बता रहे हैं सुमित। और जो बात हमें पता है हमारे कैमरे पर आकर के दिल्ली का आम आदमी बता रहा है, वो क्या सरकारों के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है? लौट रही हूं आप लोगों के पास अनुराग का, फिलहाल मुझे रुख करना है जो कि ब्रेकिंग सेंटर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या बड़ी खबर? देखिए, ऑक्सीजन संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, जहां दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार सामने आई। जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जा रही है, ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं, आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? हाईकोर्ट ने यह सवाल भी पूछा, यानी कि केंद्र सरकार को आज जमकर फटकार लगाई गई। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई होती रही है और आज एक बार फिर से बहुत अहम टिप्पणियां की गई हैं, क्योंकि देश में किस तरीके से ऑक्सीजन का संकट है और खास तौर पर राजधानी दिल्ली में किस तरीके से ऑक्सीजन के चलते लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जब ये हाईकोर्ट के संज्ञान में है तो लगातार इसे लेकर टिप्पणियां भी हाईकोर्ट की ओर से की जा रही है। आज केंद्र सरकार को लेकर यह पूछा गया कि आप असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं इस मामले पर। सुमित का रुख करते हैं, सुमित के पास कोई बड़ी खबर है? सुमित, बिल्कुल अनुराग, एक बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट आज खत्म हो सकता है। दिल्ली को आज मिलेगी 205 टन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है दिल्ली, दिल्ली के कई अस्पताल लगा चुके हैं गुहार। दो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से 10 टैंकर पहुंचेंगे दिल्ली। तो फिलहाल राहत भरी खबर दिल्ली के लिए यही है कि ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली में पहुँच रही है। हालाँकि लगातार जो दिल्ली को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो फिलहाल नहीं मिल रही है और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट आज नाराज था और दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार के वकील को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई और कहा है कि आप इतना असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं।
आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। तो फिलहाल ऑक्सीजन का जो संकट फिलहाल दिल्ली पर मंडरा रहा है वो कुछ हद तक कम हो सकता है क्योंकि बड़ी ऑक्सीजन की जो खेप है वो दिल्ली पहुंच रही है। तो राहत भरी खबर दिल्ली के लिए है लेकिन फिलहाल स्थिति अगर की बात की जाए ऑक्सीजन की, फिलहाल दिल्ली इस वक्त सुमित बड़ी बात ये भी है कि ये कितने दिन के लिए काफी रहने वाली है ऑक्सीजन और कब तक अस्पतालों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खास करके अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि कोविड के चलते लोग कम मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते ज्यादा जान जा रही है लोगों की। अभिषेक, क्या स्थिति नोएडा के हॉस्पिटल की ऑक्सीजन के मामले में इस वक्त चल रही है? देखिए, नोएडा में भी जो तमाम अस्पताल है वहाँ पर भी ऑक्सीजन का स्टोर तो है लेकिन यहाँ पर भी 12-12 घंटे का ही ऑक्सीजन है। लगातार यहाँ पर दो बड़े प्लांट हैं, एक दादरी में है जो कि दादरी के SDM देख रहे हैं अंकित कुमार, और एक सूरजपुर में है जिसको प्रसून द्विवेदी जो कि SDM है वो इंचार्ज हैं, वो आइनॉक्स का है और यहाँ पर फिलिंग सेंटर है दादरी में। तो तमाम जगहों पर हॉस्पिटल के लिए लगातार जो एम्बुलेंस होती हैं वो रिफिलिंग सेंटर पर पहुँचती हैं अपना सिलेंडर लेके। आम लोगों के लिए फिलहाल ये दोनों के दोनों जो सेंटर से इसको बंद कर दिया गया है, रिफिलिंग सेंटर को आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सरकारी अस्पताल या प्राइवेट जो अस्पताल है उनको ही सप्लाई की जा रही है। और तमाम जो यहाँ पर बड़े अस्पताल हो गए, अपोलो हो गया, चाहे कैलाश हो गया, मैक्स हो गया, यथार्थ हो गया, और भी COVID-19 का जो यहाँ पर Sector 39 में अस्पताल है, हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचाई जा रही है। फिलहाल इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि किसी भी इंडिविजुअल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बाद में ये कहा गया कि आप डॉक्टर का पर्चा लेकर के आइए, उसके बाद कहा गया कि किसी एक का नाम आप लिखवाइए। इन सबके चलते आम लोगों को और खास करके होम आइसोलेशन वालों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी इंडिविजुअल को ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं इसके मामले में अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां का हाल क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो पहले से थोड़ा सा ऑक्सीजन को लेकर सुधार है लेकिन स्थिति काफ़ी डरावनी है। ऑक्सीजन प्लांटों की बात करें तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो अस्पताल है वो काफ़ी तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और जिनको इंडिविजुअल है वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको मिलता नहीं, उनसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगा जाता है उनसे, तभी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। लेकिन जो होम आइसोलेशन में जिन्होंने डॉक्टर को दिखाया नहीं सिर्फ मोबाइल पर कंसल्ट किया है उनको अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर वहाँ पर मौजूद है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी सबसे बड़ी यहाँ के मेन जो समस्या है वो ऑक्सीजन कालाबाजारी है। तमाम जो लोग हैं वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन को स्टोर करके उसको महंगे दामों में बेच रहे हैं, तो इस वजह से भी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन के साथ साथ रेगुलेटर और जो तमाम जरूरत के सामान है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो अस्पताल हैं वो ऑक्सीजन के बारे में कह दिए हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, आप जाइए ऑक्सीजन खुद मैनेज करिए, हम इलाज करने को तैयार हैं लेकिन आपको ऑक्सीजन लेकर आना होगा। तो जो लोग ऑक्सीजन जो अस्पताल के द्वारा जो कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन लेकर आइए तो वो लोग भी जाके उनके जो तिमारदार हैं जो मरीजों के साथ हैं वो जाके ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें उनको लगानी पड़ रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। सरकार ऑक्सीजन को मंगवा रही है लेकिन उतनी सप्लाई अभी नहीं हो पा रही है जितनी की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि जो तमाम प्राइवेट अस्पताल है वहां पर अभी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात है कि जो ऑक्सीजन के रिफिलिंग सेंटर है वहां पर लीकर की जो लिक्विड है उसकी कमी है। यहाँ पर अभी एक ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग सेंटर ने साफ तौर पर नोटिस चस्पा कर दी कि हमारे पास लिक्विड नहीं है जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन की सप्लाई रिफिलिंग करने में असमर्थ हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो अभी भी दूर नहीं हो रही है। बिल्कुल, तैयारी पहले भी अधूरी थी, तैयारी अब भी अधूरी है। कोविड बढ़ता चला गया, अंदेशा और खतरा तब भी नहीं हम भाप पाए और अभी भी जब लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सुमित, क्या लॉकडाउन के लिए अभी पूर्ण लॉकडाउन के लिए भी सरकारें क्या तैयार है, उसकी तैयारी क्या पूरी है? शालिनी, अपना सवाल दोहराएं। सुमित, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन दिल्ली के अंदर है लेकिन वो कितने दिन के लिए और बढ़ता चला जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। क्या पूर्ण लॉकडाउन के लिए दिल्ली तैयार है? देश की राजधानी दिल्ली संपूर्ण लॉकडाउन के लिए, पूरे देश का लॉकडाउन अगर होता है पिछले बार जैसे हाल इस बार नहीं होंगे, इस बात के लिए क्या तैयार है दिल्ली? बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से हालात हैं दिल्ली के उसके मुताबिक दिल्ली को तो लॉकडाउन की मार जो है वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल अगर तैयारी की बात की जाए तो उस तरह से तैयार नहीं है दिल्ली क्योंकि जिस तरह से पिछले साल तैयारी की गई थी, क्योंकि इस साल का जो लॉकडाउन, अब क्योंकि केजरीवाल सरकार की ओर से जो लॉकडाउन लगाया गया है ये तीसरा हफ्ता है, लेकिन अगर आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएँ, तस्वीर अगर आपको दिखाएँ तो गाड़ियों की आवाजाही लगातार आपको दिखाई देगी
और लोग जो हैं यहाँ घूमते आपको नजर आ जाएंगे। तो कमोवेश दिल्ली के तमाम इलाकों की यही स्थिति है, लोग जो हैं इस लॉकडाउन का जो खासा असर है वो नहीं दिख रहा है। और देखिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं जो बैरिकेटिंग लगाकर पहले हफ्ते की लॉकडाउन में कड़ाई से पालन करा रहे थे, वो दूसरे और तीसरे हफ्ता में फिलहाल वो तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन जब तक नहीं लगेगा, जब तक केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया जाएगा, तब उस पिछली बार लेकिन सुबह जब पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था दिल्ली के लोग तब भी नहीं मान रहे थे। खास करके अगर ईस्टर्न यूपी की मैं बात करूं, मैं पुरानी दिल्ली की बात करूं, गलियों की बात करूं, झुग्गी की बात करूं, पिछली बार भी लोग क्रिकेट खेलते हुए सड़कों के ऊपर दिखाई दिए थे, उनके लिए तो वो हॉलीडे जैसा हो गया था। नोएडा में अभिषेक, क्योंकि अभी थोड़े वक्त के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन नोएडा में क्या स्थिति है? वहां पर भी क्या गलियों के अंदर, झुग्गी झोपड़ी के अंदर, वो इलाके जहां ज्यादा आबादी रहती है, वहां लॉकडाउन का पालन हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं शाली, ये तो है ही नहीं। और सड़कों पर आप देख लीजिए, जरा तस्वीर दिखा दीजिए सौरभ, क्या है स्थिति इस वक्त। देखिए सड़क बिल्कुल नॉर्मली चल रही है। आप देखिए, ये तो अमूमन अगर लॉकडाउन ना भी रहे, कर्फ्यू ना भी रहे, तब भी लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर लॉकडाउन। शाली तस्वीरों में देखकर आपको या कर्फ्यू देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा जो कर्फ्यू का पालन करता हुआ दिखे। और अगर मैं किसी से पूछ लूं माइक लगाकर, तो वो जवाब भी नहीं दे पाएगा, बहाने होंगे 50। तो इस वक्त जो प्रशासन है वो भी इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब आपने देखे रेस्टोरेंट बंद कर दिया कि वहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकते, लेकिन रेस्टोरेंट खुले हैं, होम डिलीवरी हो रही है आपने, और जो दुकानें हैं वो स्ट्रीट फूड्स बंद कर दिए, स्ट्रीट फूड्स नहीं बिकेगा, लेकिन तमाम जो और जो दुकानें हैं वो तो खुली हुई हैं, सब कुछ बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक आम इंसान खुद भी नहीं संभल रहा है। देश बचेगा जब लॉकडाउन लगेगा, यही सवाल इस वक्त हम पूछ रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर क्या हालात है, क्या वाकई लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ चले हैं, यही टटोलने की इस वक्त मैं कोशिश कर रही हूं। मेरे तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से तुषार जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अब नोएडा से अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रशांत मुंबई से जुड़ चुके हैं। लेकिन अब इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी मुझे लगता है आप लोगों को बता देना जरूरी होगा, और तुषार के पास ये बड़ी खबर है। तुषार, बिल्कुल, देखिए शालिनी, मीडिया कर्मियों के टीकाकरण पर सीएम योगी ने फैसला दिया है। मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में अब प्राथमिकता मिलेगी, ये सीएम योगी ने कहा है। मीडिया कर्मियों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर अलॉट होगा, ये भी सीएम योगी ने कहा है। मीडिया कर्मियों के दफ्तर में जाकर फ्री वैक्सीनेशन हो, इसका भी आदेश सीएम योगी ने दिया है। मीडिया कर्मियों के 18+ वाले परिजनों का भी अब टीकाकरण होगा, जिसको लेकर प्राथमिकता दी जाएगी, ये सीएम योगी ने आदेश दिया है। आपको बताया कि सालनी, ये मीडिया कर्मियों के लिए, उत्तर प्रदेश के जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए एक बेहद ही राहत भरा ये आदेश है, क्योंकि तमाम जो मीडिया कर्मी थे वो सड़कों पर घूमकर और खबरें पब्लिक तक पहुंचाया करते थे, उनको एक कोरोना का संक्रमण फैलने का काफ़ी खतरा होता था, वो फिर घर में जाते थे तो परिजनों को भी फैलने का खतरा होता था, जिसके बाद अब जो ये फैसला मुख्यमंत्री ने दिया है ये बेहद ही मीडिया कर्मियों के लिए राहत भरी ये खबर है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है ये वो खबर है जिसका इंतजार हर वो फ्रंटलाइन वॉरियर कर रहा है बीते बहुत वक्त से, जिसे वैक्सीन की जरूरत है लेकिन देश में इस वक्त वैक्सीन की कमी है, तो ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए बहुत बड़ी खबर। प्रशांत का भी मैं रुख करती हूँ, मुंबई से जुड़े हुए मेरे साथ प्रशांत, आपके पास भी बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए औरंगाबाद की बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे, क्योंकि जो एक जो कोरोना पेशेंट होता है, कोरोना का जो मरीज होता है उसको बचाने के लिए उसका लाइफ सेविंग जो इंजेक्शन माना जाता है वो रेमडेसिविर, और वही रेमडेसिविर औरंगाबाद से कुछ अंदर के जो कर्मी है, जो नर्सेस है, वो चुराते हुए पाए गए हैं, और ऐसे उनको 48 जो रेमडेसिविर है वो चुराते हुए उनको पाए गए हैं। और ये अभी के अगर देखा जाएगा तो ये पूरे हफ्ते में दूसरी बार की ये घटना है। पूरे मुंबई की, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत सारे जगह पे रेमडेसिविर की चुराने की जो बाब है वो आगे आई है। कुछ जगह पे तो रेमडेसिविर के नाम पे अलग अलग दवाइयाँ उस रेमडेसिविर के इंजेक्शन में भर के लोगों को दे गई है, जिससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। ये पूरा जो मामला है ये औरंगाबाद से अभी सामने आ रहा है, उसमें
जो नर्स है बीएमसी के को अरेस्ट किया गया है और आगे की तब्दीश है वो चल रही है जी। और इस कदम की जरूरत भी है, पूरे देश में इस कदम की जरूरत है ताकि काला बाजारी रुक सके। आप तीनों ही बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो पहले दर्शकों को बता दूं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। एलजी मनोज सिन्हा का हेल्थ वर्कर्स के लिए घोषणा, डॉक्टर्स स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इंसेंटिव की घोषणा अब जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। डॉक्टर्स को हर महीने 10,000 का इंसेंटिव मिलेगा, नर्सिंग स्टाफ को 7,000 और सफाई कर्मियों को 5,000 रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घोषणा आज ही की गई है, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो सीधे लड़ रहे हैं, ये एक तरह से उनके लिए प्रोत्साहन स्वरूप ये राशि है। अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको मैं बता रही हूँ, जहाँ पर उपराज्यपाल की तरफ से ये ऐलान किया गया है, जितने भी हेल्थ सेक्टर में लगे हुए, खासकर वो लोग हैं जो अभी कोविड पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स जिन हॉस्पिटल में है वहाँ के वर्किंग स्टाफ के लिए घोषणा की गई है। डॉक्टर्स को हर महीने 10,000 मिलेगा, नर्सिंग स्टाफ को 7,000 का इंसेंटिव और सफाई कर्मियों को 5,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। ये उनका जो मासिक वेतन है उसके अतिरिक्त, और इसीलिए इंसेंटिव इसे कहा जा रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे तीन सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अभिषेक, इसी तरह की घोषणा आज उत्तर प्रदेश से भी सामने आई है, जहां इंसेंटिव की घोषणा की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और ये वाकई मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का बेहद जरूरी कदम है। अभिषेक क्या जुड़े हुए अभी हमारे साथ? ठीक है, अभिषेक नहीं है, पर तुषार मैं यही बात कह रही थी कि उत्तर प्रदेश से भी यही खबर आज सामने आई, और ये मनोबल ऊंचा उठाने के लिए हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर है उनका बहुत जरूरी है। अच्छा, सुमित के पास कुछ बड़ी खबर है, तुषार लौट रही हूं। सुमित, क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए शाली, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। दिल्ली को ऑक्सीजन ना देने के मामले में ये सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आदेश के बावजूद समय पर दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दी गई है, ये हाईकोर्ट का कहना है। देखिए, लगातार आज सुबह से ही दिल्ली हाईकोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है और केंद्र सरकार को कई बार फटकार भी लगा चुका है। और देखिए, अब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश जारी किया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक ने आपको आदेश दिया था कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो सही समय में उसे रोजाना मिल जाना चाहिए, लेकिन अब तक आपने ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई है। ऐसे में क्या कोई वक्त भी है कि इतने समय में जवाब केंद्र को दे देना है? कोई वक्त क्या डिसाइड है इसके लिए? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये कोर्ट का आदेश है, देखना होगा कि कोर्ट ने क्या कुछ समय दिया है, लेकिन ये अब से थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मुझे लगता है कि कल तक जवाब अब केंद्र सरकार को इस पूरे मसले को लेकर देना होगा कि आखिरकार कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सही समय पर और जो पूरा कोटा है वो क्यों नहीं अलॉट किया। इस पर अब केंद्र सरकार को कल तक जवाब देना पड़ सकता है। हालांकि डिटेल ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितने दिनों का जो समय है हाँ। वो जवाब देने के लिए। अच्छा सुमित, मुझे आप एक बात बताएं, क्या दिल्ली अभी भी ये आरोप लगा रही है केंद्र के ऊपर कि कोटा तो निर्धारित कर दिया गया पर कोटे की ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं शालिनी कि परसों देर शाम को सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश जारी किया था और सीधे तौर पर कहा था कि 3 मई के मध्य रात्रि या उससे पहले तक दिल्ली में जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। ये सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, सीधे तौर पर केंद्र सरकार को आदेश दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि दिल्ली में केंद्र सरकार की भी जवाबदेही जो है वो बनती है, तो सीधे तौर पर ये आदेश केंद्र सरकार के लिए था। और ऐसे में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि ये कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई आपके खिलाफ। ठीक है सुमित, लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से मिल रही है, बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां 7 दिन के लिए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। शाम 5 बजे से 11 मई सुबह 5 बजे तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी के दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति हालांकि रहेगी, सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। दोबारा बता रही हूँ, बैंकों में 50% स्टाफ ही रहेगा। इस बीच सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार सबके ऊपर पाबंदी जारी रहेगी। देखिए, शंखनाद की शुरुआत में ही आपको मैंने कहा था कि क्या देश अब आगे बढ़ चला, और बड़ी खबर चंडीगढ़ में
अगले 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। साक्षी मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से इस वक्त। साक्षी, क्या अपडेट आपके पास? कि आज से जो शाम 5 बजे से जो लॉकडाउन लगा दिया गया एक सप्ताह के लिए चंडीगढ़ में, ये कल ही डिसाइड हो चुका था जब एडवाइजर मनोज परिदा जो है वो यूटी के सभी अधिकारियों के साथ जब वार रूम में मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में क्योंकि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए अब सभी सरकारें लॉकडाउन के मोड में आ गई है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में भी जो लॉकडाउन है वो लग चुका है, पंजाब में भी जो वीकेंड लॉकडाउन है इसको लेकर आई है, हरियाणा में भी पहले 9 डिस्ट्रिक्ट में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया जिसके बाद जो लगातार लगभग 15,000 केसेस सामने आ रहे थे, उसके बाद एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन के मोड में सरकार को आना पड़ा। और अब इसी को देखते हुए क्योंकि चंडीगढ़ यूटी में भी लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, यूके के भी जो स्ट्रेन है 70% वो पीजीआई के डाटा में देखने में सामने आए हैं, तो अब इसीलिए ये फैसला लिया गया कि जो सेकंड वेव है इसकी चेन को तोड़ने के लिए अब लॉकडाउन लगाया जाए, और ये इफेक्ट में आज शाम 5 बजे से आ जाता है। आज शाम 5 बजे से अब एक सप्ताह तक सुबह 5 बजे तक जो लॉकडाउन है चंडीगढ़ में वो लगातार आएगा। इसमें सिर्फ असेंशियल चीजें ही खोली जाएंगी, शराब के ठेके हो या फिर जितनी भी नॉन असेंशियल चीजें हो वो सब सख्ती से बंद करवाई जाएगी, और पुलिस और प्रशासन की टीमें भी जो है वो ग्राउंड पर रहेंगी और सख्ती से जाकर जो सभी मार्केट्स हैं उनको बंद करवाया जाएगा, जितने भी जिम्स हैं, होटल्स हैं, स्पा सेंटर्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ ही सड़कों पर दौड़ेंगी। भाई इंडस्ट्रीज चालू रहेगी, लेकिन इंडस्ट्री प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसके मालिकों को ये सुनिश्चित करना होगा जरूर कि जो स्टाफ है, जो वर्कर्स है, जो कर्मचारी है वहाँ के, वो जो कैंपस है, जो प्रिमाइसेस है, उसी के अंदर रहें, वहीं अपना खाना पीना करें, वहीं पर रहें और वहां से बाहर ना आए, ताकि वो इंडस्ट्री में रहकर बाहर के जो लोग हैं उनसे कॉन्टेक्ट में ना आ पाए। हाँ। तो ये तमाम चीजें हैं जो एडिशनल गाइडलाइंस है वो कोविड के दौरान जारी की गई है, और वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, 2 गज की दूरी रखना, ये सभी जो सरकारी लॉकडाउन लगाया गया, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में कम से कम उसका पालन करा लिया जाए, बाकी जगहों की तरह तस्वीर चंडीगढ़ में सामने ना आए। अनुराग का मुझे रुख करना है। अनुराग, क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए बड़ी खबर शालिनी, उत्तर प्रदेश में शराब पर कोरोना सेस लगाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना सेस लगाने से शराब महंगी हो जाएगी, शराब की बिक्री में कमी होगी, यह सरकार की मंशा है। राजस्व से इस वजह से राजस्व में नुकसान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में शराब 10 से 40 रुपए महंगी हो जाएगी अगर ये कोरोना सेस सरकार लगाती है तो। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर लोगों की भीड़ कम हो, लोग घरों से बाहर कम निकलें, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार जो है वो कदम उठा रही है। धीरे धीरे लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई जाने लगी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहले जो वीकेंड लॉकडाउन था उसे बढ़ाकर 2 दिन और किया गया, फिर उसके बाद अब गुरुवार तक यानी कि 7 तारीख तक कर दिया गया, और ऐसे में अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि शराब की बिक्री में कमी हो इसके लिए उस पर कोरोना सेस लगाया जाएगा, शराब की दुकानें जो खुली रहेंगी उस पर अब अगर कोई शराब खरीदने जाता है तो उसे 10 से 40 रुपए महंगी शराब खरीदनी होगी। ये हर जगह ये कदम उठाया जाना चाहिए, राजस्व जो कम मिल रहा है उसकी भरपाई भी हो जाएगी, और लाइन जो हमें लगता है दुकानों में लंबी, सुमित आपको याद होगा लॉकडाउन की शुरुआत में दिल्ली में किस तरह से सबसे ज्यादा तो शराब की दुकानों पर ही भीड़ उमड़ी थी, आपने खुद तस्वीरें पहुंचाई थी सुमित। जी बिल्कुल, देखिए कई शख्स यहाँ पहुँचे हैं, जब लाइव मैं दे रहा था तब कई शख्स यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि उनके परिवार में कोरोना से कई जाने चली गई हैं, और इसके मद्देनज़र वो अपनी बातें रखना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि केजरीवाल सरकार की ओर से ये जो लॉकडाउन लगाया गया है ये सिर्फ नाम का लॉकडाउन है, ऐसे में अब केंद्र सरकार को इस पूरे मसले को लेकर दखल देना चाहिए और पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, ये अब लोगों की मांग जो है वो सरकार से है। तो सीधे तौर पर आप समझ सकती हैं कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया था, ये तीसरा हफ्ता है लेकिन कोरोना के मामले तो घट रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हर बात को हम सरकारों के ऊपर नहीं उड़ा सकते हैं, अगर दिल्ली में लॉकडाउन हुआ है तो मतलब लॉकडाउन हुआ है, ये देखने की जरूरत नहीं कि वो केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया या फिर राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया है। अगर पूरे देश में भी लॉकडाउन लग जाएगा तो उसका पालन करना तो हम सबके ही जिम्मे आएगा ना, और वही जिम्मेदारी तो हम नहीं निभा रहे हैं। ये जितनी भी कालाबाजारी हो रही है, वो चाहे ऑक्सीजन की हो, रेमडेसिविर की हो, दवाइयों की हो, वो तो मेरे और आपके जैसे लोग ही कर रहे हैं, तो हर बात सरकार के ऊपर नहीं उड़ाई जा सकती है। प्रशांत, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो वहां पर सड़कों की क्या स्थिति है? बेतहाशा बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, क्या सड़कों पर भीड़ भी उसी तरह दिखाई दे रही है? हाँ, भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है, मगर भीड़ पूरी तरह से कम नहीं हुई है, क्योंकि कुछ जगह पे अभी जो भीड़ है अपने को देखने को मिलती है।
मगर आपको एक अच्छी बात बताऊं कि मुंबई में कुछ सेंटर अभी ऐसे वैक्सीनेशन के चालू हो गए हैं जिसमें जो ड्राइव इन करके आप जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा, देन आप वहां से निकल सकते हैं। ऐसा जो पूरा जो वैक्सीनेशन सेंटर है आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, वहीं पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो अभी वैक्सीनेशन की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी ऐसे दिखाई दे रहे रस्ते पे जो मास्क नहीं लगाते हैं, दो गज की दूरी नहीं रखते हैं। मगर इन लोग को कुछ समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है मुंबई में मामले जो है कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो भी रोज के 60-70 लोगों की मौत हो रही है। ये बड़ा दर्दनाक मामला जो है पूरे मुंबई में हो रहा है, और इसको काबू में पाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, और वो वैक्सीनेशन का दौर जो है वो पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वैक्सीनेशन को लेकर ही अब आगे मैं आपके पास आ रही हूँ। अब तुषार, अब साक्षी, अच्छा चंडीगढ़ से साक्षी जुड़ी हुई है, उनका मैं रुख करती हूँ। साक्षी, अगर वैक्सीनेशन की हम बात करें और तमाम तैयारियों की बात करें, तो फिर कितना चंडीगढ़ तैयार है इसके लिए? जी देखिए, वैक्सीनेशन की हम बात करें तो जिस तरह से अगर पूरे ट्राई सिटी की अगर मैं बात करूं, न कि सिर्फ चंडीगढ़ तक ही सीमित कर पंचकूला और मोहाली भी साथ ही लगता है, तो वैक्सीनेशन की जो भारी कमी है वो महसूस की जा रही है। एक तारीख से जिस तरह से अबव 18 जो वैक्सीनेशन यंगस्टर्स के लिए शुरू किया जाना था, उसमें कई जगह जो खामियां हैं वो देखी जा रही है। पंचकूला में भी इस वक्त स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बहुत ही सीमित सेंटर्स हैं, और कुछ सेंटर्स पर तो बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि वैक्सीन की शॉर्टेज होने की वजह से जो वैक्सीनेशन है वो नहीं किया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी कुछ ही एक चुनिंदा सेंटर्स जहां पर इस तरह से वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो की जा रही है, और पंजाब तो पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वैक्सीन की डोजेस हमें जब तक अवेलेबल नहीं होगी केंद्र सरकार से, तब तक हम 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो पूरे कुल मिलाकर जो ट्राई सिटी है उसमें वैक्सीन की जो अभी कमी महसूस की जा रही है, और सिर्फ सेकेंड डोज जिन लोगों को लगना है उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। वहीं इसी के साथ जो यंगस्टर्स हैं उन्हें फिलहाल अभी वैक्सीनेट होने के लिए वेट होना होगा। हालांकि कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं जो यूथ के लिए जरूर बनाए हुए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए किया जा रहा है। रोज का एक कोटा है जो डिसाइड किया गया है, यानी रोज 100 वैक्सीन हैं जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जिन्होंने कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है टाइम और अपॉइंटमेंट लेकर वो वहां पर पहुंच रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन, उन्हीं लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो वहां पर लगातार किया जा रहा है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की बात करें, तो इसकी आपूर्ति को लेकर भी जो सरकारें हैं वो लगातार दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर जो पेशेंट्स हैं वो लगातार ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, और जो संक्रमण है, जो केसेस है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इसे कॉम्बैट करना, अब चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें या फिर मोहाली के लिए पंजाब सरकार और पंचकूला के लिए हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, तो सभी को कहीं ना कहीं दिक्कतों का मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आपके पास क्योंकि हरियाणा की भी आपने बात की, वहां का भी आपने हाल बताया, हरियाणा में लॉकडाउन भी अब लगा दिया गया है, तो वहां के आंकड़े कोरोना के क्या है वो दर्शकों को बता देते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 12,885 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में हरियाणा में 140 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, और हरियाणा में कोरोना के 104,000 एक्टिव मामले अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 79.28% मरीज यहां पर रिकवर होकर हॉस्पिटल से घरों को लौट रहे हैं। अच्छा रिकवरी रेट जरूर है, लेकिन कोरोना के मामले भी हर रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, ये चिंताजनक हरियाणा के लिए, और खास करके ऐसे वक्त में जबकि लॉकडाउन लगा दिया गया है, बावजूद उसके कोरोना के मामले घटते हुए अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बीते 24 घंटे का आंकड़ा इस वक्त आपको हमने बताया। साक्षी, आपके पास मैं आ रही हूँ। हरियाणा में आंकड़े कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं, लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, तैयारी सरकार की ऐसे में क्या है, खास करके कामगारों के लिए, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब तबका है, बीपीएल वाले हैं, उनके लिए क्या तैयारी सरकार की? जी बिल्कुल, देखिए तैयारी की बात करें तो एक सप्ताह का जो लॉकडाउन है वो लगाया गया, कल से ये इफेक्ट में आया 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, और आज इसका दूसरा दिन है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तो सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इसे एक्सटेंड किया जाता है या नहीं, क्योंकि एक हफ्ता जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तेजी से हरियाणा में, एक हफ्ता लॉजिकली बहुत कम है इसके स्प्रेड को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार जो है करीब 15,000 लगभग केसेस ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहे हैं रोजाना, और 1,00,000 से ज्यादा अब हरियाणा में एक्टिव केसेस भी हो चुके हैं। हालांकि शुरू से ही सरकार कह रही थी कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, पाबंदियां लगाना चाहते हैं, लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करवाना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब संक्रमण लगातार बढ़ा और सरकार को भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। एक सप्ताह के लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गृह और स्वास्थ्य विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहा है। हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है उनकी एक बैठक भी थी सभी अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हरियाणा में महसूस की जा रही है। हालांकि जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक अगर देखा
जाए तो 257 मीट्रिक टन हरियाणा का कोटा है जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे दिस मोमेंट हरियाणा को करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन ये तो कागजों में आंकड़ा है, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया कि सिर्फ 210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही हरियाणा में पहुंच पा रही है, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी है हर जगह और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी है हर जगह। हरियाणा का आंकड़ा मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र का भी बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा है कोरोना का वो आपको बता देती हूँ। अहम खबर, 48,621 मामले महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सामने कोरोना के आ चुके हैं। 48,621 नए मामले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 567 लोगों की कोरोना से जान गई है। 59,500 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं महाराष्ट्र में हॉस्पिटल से, और कोरोना के 656,000 सक्रिय मामले महाराष्ट्र में अभी हैं 656,000, और हर रोज इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। प्रशांत, क्या बीते कुछ दिनों का आकलन है, अगर मुंबई की और महाराष्ट्र की हम बात करें, कितना कंट्रोल कोविड के ऊपर किया जा पाया है? देखिए, पूरा कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं उसमें अभी भी जो कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला लिया है कि हर एक जो जिला में है जो बेड है उसकी बढ़ोतरी की जाए। ऑक्सीजन की किल्लत जो है पूरे मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों में है, और वो ऑक्सीजन की किल्लत कम करने के लिए केंद्र सरकार से भी मांग की गई है। वो वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ट्रेनों के द्वारे मुंबई में महाराष्ट्र में पहुँच रहा है। अगर रेमडेसिविर की बात करें तो भी वही है, रेमडेसिविर जैसा जो इंजेक्शन है वो भी मुंबई महाराष्ट्र में आ रहा है। लेकिन अभी भी जो महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके है वो अंदरूनी इलाके में कोरोना का जो कहर है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसको अभी तक काबू में नहीं पाया गया। बिल्कुल, लेकिन सख्त कदम बहुत जल्द उठाने होंगे, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। दिल्ली से सुमित जुड़े हुए हैं और उनके पास कोई बड़ी खबर है इस वक्त की। सुमित जी, बिल्कुल शालिनी, बड़ी खबर आ रही है और एक राहत भरी भी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 16 करोड़ कोविड वैक्सीन खरीदी है और 2500 करोड़ रुपए में खरीदी 16 करोड़ वैक्सीन, 11 करोड़ कोविशील्ड और 5 करोड़ कोवैक्सीन खरीदी है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से ये सौदा हुआ है और मई और जुलाई के बीच करनी है सप्लाई। तो आप समझ सकती हैं कि एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार कई राज्य जो हैं वो आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पे कि उनके पास स्टॉक का वैक्सीन नहीं है, जिसके चलते वो 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मई से लेकर जुलाई तक के बीच में ये करार पूरा हो जाएगा और वैक्सीन की उपलब्धता भी जो है वो देश में होगी। उसके बाद वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच एक राहत भरी खबर कही जा सकती है शालिनी। हाँ बिल्कुल, और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में, तुषार से मैं जान लेती हूँ। तुषार ठीक है, तुषार तक अभी फिलहाल नहीं हम पहुंच पा रहे हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब प्रशांत का इस बीच में रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, दिल्ली में कमी है वैक्सीन की, यूपी में कमी है वैक्सीन की, पूरे उत्तर प्रदेश में तो शुरू भी नहीं हो पाया अभी तक वैक्सीनेशन, हर राज्य कंप्लेन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी क्योंकि सबसे कारगर लॉकडाउन या फिर वैक्सीन, दो ही चीज है, तो उसके क्या हालात हैं? देखिए, महाराष्ट्र में अभी भी वैक्सीनेशन चल रहा है, मगर वैक्सीनेशन में दिक्कतें बहुत आ रही है, क्योंकि अभी 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को जो है वैक्सीन दिया जा रहा है, मगर वैक्सीन की कमी होते हुए बहुत सारे सेंटर है जो अभी भी चल नहीं रहे। आज जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये दादर का इलाका है और दादर के इलाके में अभी जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है, जिनका सेकंड डोज है उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, मगर 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जिन्होंने अभी 18 से 45 साल के जो उम्र है, उन्होंने जिन्होंने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं को दिया जा रहा है। जैसे भी अभी कांग्रेस के जो बाला साहब थोरात है, उन्होंने अभी सीएम से मांग की है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर में पत्रकार आते हैं उन लोग को भी वैक्सीनेशन दिया जाए। हाँ। उनको सभी फ्रंटलाइन वर्कर को तुरंत वैक्सीनेशन। कई राज्य इसकी घोषणा कर भी चुके हैं, बिहार कर चुका है, उत्तर प्रदेश में भी ये घोषणा अब कर दी गई है, महाराष्ट्र में भी बहुत जल्द है इसके ऊपर कदम उठाया जाना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त एक मिल रही है, दर्शकों को बताएं, देश में कोरोना की संक्रमण दर एक दिन में ठीक होने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है और संक्रमण दर घट गई है। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग अब ठीक हुए हैं कोरोना से, और वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1% से कम है। लेकिन 3 राज्य
दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों वो राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले घटे हैं बीते दिनों। तो ये रात भरी खबर इन तीनों ही राज्यों के लिए। हालांकि अभी भी जो जागरूकता है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो तमाम सहयोगी जो मेरे जुड़े और अलग अलग जगहों का हाल उन्होंने आप तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन ये कोरोना काल है, अपनी जिम्मेदारी भी समझते हुए घरों में रुके कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।